हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सो आज हम बात करेंगे अबाउट सीडीएस एग्जाम की। सीडीएस एग्जाम ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है अमंग यूथ हु वांट टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मींस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, बेसिकली ऑल थ्री सिस्टर सर्विसेज। जिनको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करना होता है वो सीडीएस एग्जाम डेफिनेटली देते हैं, और ये बहुत बहुत पॉपुलर एग्जाम है। बोथ बॉयज और गर्ल्स दोनों में बहुत पॉपुलर एग्जाम। ये एग्जाम यूजुअली साल में 2 बार कंडक्ट होता है, अप्रैल के महीने में और 1 सितंबर के महीने में। हर बार एक प्रोसेस में 5 से 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। 4 से 5 लाख बच्चे, 4 से 4.5 या 5 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, और क्वालिफाई कितना करते हैं? अराउंड 6,000। इतना स्टार्क डिफरेंस है इस एग्जाम में, ठीक है। 4.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई करते हैं केवल 600, 6,000। अगर मैं आपको सिविल सर्विसेज से देखो, कोई एग्जाम किसी से कंपेयर करने लायक होता नहीं है, ठीक है। बट अगर हम सीएससी से कंपेयर करें ना, तो सीएससी का 8 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 से 6 लाख एग्जाम देते हैं और मेंस क्वालिफाई करते हैं 10 से 12 हज़ार। प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं 2 से 3 मेंस करते हैं, और इंटरव्यू होके सेलेक्ट होते हैं आपके 1,000 से 1,200 बच्चे के आसपास, ठीक है। ये फाइनल सेलेक्ट होते हैं। बट यहाँ पे 6,000 बच्चे आपका इंटरव्यू देते हैं, और फाइनल सिलेक्शन कितने का होता है? 350 से 400। सो ये एग्जाम का एक लेवल है, इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस एग्जाम से आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीन सर्विसेज में से किसी भी एक सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं। गर्ल्स करेंटली केवल ओटीए का एग्जाम दे सकती हैं, और बॉयज आप तीनों सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। प्लस नेवी का एग्जाम देने के लिए आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए। अब ये एग्जाम जो है, इसको हम दो पार्ट में देखते हैं, ठीक है। एक होता है आईएनए या नेवल एकेडमी या और एयरफोर्स एकेडमी। ये यहाँ से आपको परमानेंट कमीशन मिलता है, ठीक है। इस एग्जाम, ये जो इन परमानेंट कमीशन का एग्जाम होता है, इसमें तीन सब्जेक्ट, तीन आपका टेस्ट होता है। इंग्लिश, जीके, मैथ्स। 120 क्वेश्चन 100 नंबर, 120 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 300 नंबर का टेस्ट होता है। 6 घंटे की टाइमिंग होती है। यूजुअली आपका 9 से 11 में, 9 से 11 में इंग्लिश होता है, 12 से 2 में जीके होता है, और 3 से 5 में मैथ्स होता है। वही जो सिर्फ ओटीए को टारगेट कर रहे हैं वो केवल इंग्लिश और जीके के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जाती है। सो हमारे पास सबसे रिसेंट अभी CDS 2 2021 की कट ऑफ है, जिसमें आईएमए की गई है 138, नेवल एकेडमी की गई है 132, एयरफोर्स की गई है 148, ओटीए मेंस 102, ओटीए फीमेल 102। हाइस्ट कट ऑफ गई है आज तक की CDS 1 2021 में, बहुत सिंपल पेपर था। आईएमए की गई थी 145, आईएनए की गई है 136, एयरफोर्स की गई है 158, ओटीए की गई है 107 और फीमेल की भी 107। तो यूजुअली अगर हम देखें, तो अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है फॉर एयरफोर्स, तो आप 170 के आसपास अपना टारगेट लेके चल, ठीक है। इजी है, स्कोर हो सकता है। कैसे होगा मैं बताऊं, अगर 170 के आसपास का टारगेट है आपका, तो आप श्योर शॉर्ट मेरिट इन हो, श्योर शॉर्ट मेरिट इन हो। इस एग्जाम में क्या होता है? होता ये है, आप रिटर्न दोगे, रिटर्न क्वालिफाई किया, एसएसबी दोगे, एसएसबी क्वालिफाई, मेरिट लगती है, मेरिट में नाम आया तब आप एकेडमी ज्वाइन करते हो, और फिर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ऑफिसर बनते हो। वहीं अगर आप आईएमए को टारगेट कर रहे हो, तो आप अराउंड 150+ अपना टारगेट लेके चलो, क्योंकि इन दिनों आईएमए की भी कट ऑफ, आईएमए में भी मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस होने लगे, तो मेरिट आउट होने के चांसेस आईएमए में भी होते हैं। और वहीं नेवल एकेडमी के लिए टारगेट कर रहे हो तो 140+, और ओटीए के लिए कर रहे हो तो आप 115+
प्लस को टारगेट लेकर चल सकते हो, ठीक है, तब आप श्योर श्योर मेडिटेन होंगे। अब इस एग्जाम में होता यह है कि अगर मैं पर्टिकुलरली जीएस सेगमेंट की बात करूं तो जीएस में दो सेगमेंट में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, साइंस एंड जनरल स्टडीज। देखो इंग्लिश में 70+ स्कोर करना इजी है, मैथ्स में भी अगर 3-4 महीने की डिसेंट प्रैक्टिस है तो 50 to 60 के बीच में स्कोर कर सकता हूँ, बट जीएस में अगर आपने मेहनत की है तो भी आप 40 to 45 के बीच में ही मैक्सिमम जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स हैं, साइंस पढ़नी है, साइंस के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, प्लस ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसमें आइडियल जो आप वो अपना टारगेट लेना चाहिए, अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो 40 to 45, इससे ज्यादा कर लोगे आप सोचोगे जीएस में मैं 70 ले आऊंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, फेल हो जाओगे, क्योंकि 70 लाना इज नॉट सो इजी थिंग। 40 to 45 में लाओ, सेफ प्ले करो, एग्जाम क्वालिफाई करो, ठीक है, फिर SSB मेन गेम होती है इसमें। सो 40 to 45 जो होता है ये एलीट ग्रुप के बच्चे लाते हैं, यूजुअली बच्चे 25 से 35, मोस्टली बच्चे इस रेंज में लाई करते हैं, 35-40, 40 to 45 एलीट ग्रुप के बच्चे लाते हैं जो कि सीरियसली पढ़ाई करते हैं। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपना इस हिसाब से टारगेट लेके चल सकते हो। अब स्टडी फंडा, हम लोगों ने सीडीएस और एफ कैट के बच्चों के लिए एक पेड कोर्सेस लॉन्च किया। जो बच्चे इस फील्ड में नए हैं या जिन्होंने 3-4 बार एग्जाम दिया है बट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन रीजन की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस और ड्यू टू एनीथिंग, वो आप चाहो तो हमारे इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही मिनिमल फीस पे, ठीक है, एकदम क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब क्या क्या हम हमारे कोर्स की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको ब्रीफली बता दूँ। डिटेल लेक्चर्स, हमारे जो लेक्चर्स हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से ही आपका पेपर उठ के आता है, 11th 12th की एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, 12th की फॉर हिस्ट्री, 9th 10th फॉर साइंस, सो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के पेपर आता है, तो हम डिटेल लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, एंड ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। उसके अलावा आपके मेजर और माइनर टेस्ट होंगे, वीकली आपका माइनर टेस्ट होगा, और जैसे आपका कोई वीकली आपके माइनर टेस्ट होंगे फिर कुछ टॉपिक खत्म हो जाएंगे, जैसे अभी मान लो कि मेरा सैटरडे, हमारा ये इनिशिएटिव 1st of मई से लॉन्च हो चुका है और इस सैटरडे हमारी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, फिर मैं बच्चों का एक मेजर टेस्ट लूंगा रिलेटेड टू वॉट एवर आई हैव टॉट देम इन फिजिकल ज्योग्राफी, सो फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी पढ़ा है उसका एक मेजर टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट मिलेंगे, देखो बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन के चाहे आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो हमारे साथ भी कर रहे हो ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको एग्जाम टाइप के एग्जाम में किस बेस के क्वेश्चंस होते हैं, इनफैक्ट हम आपको 1 लेवल+ का ही प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो काफी कंफर्टेबल रहो, तो प्रैक्टिस काफी ज्यादा हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके अलावा पर्सनल इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, ये एक हमारा स्पेशल इनिशिएटिव है जिसमें अगर मान लो सपोज करो कि मैंने आज आपको पढ़ाया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, आपको समझ नहीं आया, आपने 1-2 बार वीडियो देखी समझ नहीं आया, कोई डाउट है, आप मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, आप ग्रुप में मैसेज करो, मैं आपके साथ पर्सनल सेशन कंडक्ट करूंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में वो पूरा टॉपिक समझाऊंगा, और तब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ ना आ जाए, ठीक है, सो पर्सनल इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स। इसके अलावा रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, अगर मान लो सपोज करो कि बच्चों को मेजर या माइनर टेस्ट में समझ नहीं आ रहा कि कुछ क्वेश्चन समझ नहीं है या जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन समझ नहीं है, तो वो बच्चे डाउट सेशन में अपने क्वेश्चन ला सकते हैं, उधर हम मैं उनको और बाकी एजुकेटर्स उनको वो सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, और उनको प्रॉपरली कंसेप्ट दोबारा एक्सप्लेन करवाएंगे। इसके अलावा हम एग्जाम स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ। सब्जेक्ट वाइज में कैसे, जैसे अभी मेरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एक बच्चों का पूरा ज्योग्राफी का कंप्लीट ज्योग्राफी का एक टेस्ट होगा, जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा लास्ट के मोमेंट में हम आपको फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे,
IMA जो परमानेंट कमीशन के बच्चे हैं, IMA, INA, OT, AFA के, उनके इंग्लिश, GS, मैथ्स के 2-2 घंटे के 3 टेस्ट होंगे, और जो OTA के हैं उनको 2-2 घंटे के इंग्लिश और GS के टेस्ट होंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट आपको हम एग्जाम से पहले करवाएंगे ताकि आप फुली प्रिपेयर्ड हो सको। इसके अलावा पेड टेलीग्राम ग्रुप भी में भी आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें आप डायरेक्टली एजुकेटर से बात कर सकते हो, कोई डाउट हम उनसे पूछ सकते हो, और आपस में भी अपना ग्रुप में ही बच्चों से आपस में डिस्कशन कर सकते हो कोई टॉपिक, कोई भी चीज, ठीक है। इसके अलावा फ्री इंफोग्राफिक्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे हमारे करेंट अफेयर्स के मटेरियल से। 95% प्लस क्वेश्चन करेंट अफेयर मटेरियल प्लस इंफोग्राफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में हिट होते हैं, ठीक है। सो ये फ्री, जो बच्चे पेड इनिशिएटिव में हैं उनको ये फ्री इन्फोग्राफिक ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, और प्लस करेंट अफेयर्स की हम जो मंथली मैगजीन हम रिलीज करते हैं वो देंगे, जिससे होगा ये उनका पूरा होलसम करेंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। और वो और ना ही करेंट अफेयर्स, इसके अलावा जो स्टैटिक जीके के पोर्शन है वो भी प्रिपेयर होगा, और वो काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सो ये सारे इनिशिएटिव हैं हम जो आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, और जो कि हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको आपकी फीस वापस दे दी जाएगी, ठीक है। फीस ये है फॉर OTA 1777 एंड फॉर IMA 2222, 4 बार 2, ठीक। लेकिन फीस ऐसे वापस नहीं, फीस के लिए अगर मान लो रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या कंडीशन है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे, डाउट सेशन में डाउट्स पूछो, करंट अफेयर्स मैगजीन आप याद करो, ठीक है। उसके अलावा वीकली और डेली टारगेट्स पूरे करो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट वाइज में आपको टेस्ट देना होगा। हम हर टेस्ट के बाद आपको एक रिपोर्ट कार्ड देंगे कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। आप कुछ समझ नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली टीचर से बात करो, ठीक है, कि सर समझ नहीं आ रहा बताओ क्या करना है, मैम समझ नहीं आ रहा बताओ क्या करना है, खुद से आप देखो, ठीक है। ये सारी चीजें करो, अगर इसके बाद भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आपका रिटर्न अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो हम आपकी 100% फीस रिफंड कर देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट है, इसमें मतलब कि अगर हम आपके वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे तो फिर किस बात का आपके पैसे लेने, है ना। बट अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, जो जो इनिशिएटिव मैंने बताया उन सबको फॉलो किया, 110% मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो, ठीक है। सिर्फ एक आपको डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, एक आपको लेड आउट पाथ चाहिए कि आप इस रास्ते चलो, ऐसे करो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप स्टडी फंडा को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं, आप वैसे ही 10-11 दिन लेट हो, तो आप चाहो तो ज्वाइन करो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।